लास्ट क्लास में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए थे वहीं से हमने शुरू किया है। पहला क्वेश्चन है कि 21 अंकों वाली किसी संख्या का अंतिम व प्रथम अंक 3 है, तो उस संख्या के मध्य में जो सभी अंक होंगे वो क्या होंगे? क्या आंसर आएगा इसमें? 6 आंसर आएगा, क्योंकि 21 अंक है लास्ट और ये 3 है, बीच में जो अंक बच गए वो कितने हैं? 19 अंक बच गए। हमें पता है 19 में से जो पहला अंक होगा और 19वां अंक होगा, क्योंकि 11 से विभाजित है ये बोला है, तो एक अंक छोड़कर एक काउंट करना है, तो यहाँ से पहला, तीसरा और इस तरीके से 19वां काउंट होगा, तो एक से लेकर 19 में जो पहले से शुरू होगा वो एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो दूसरा अंक है और जो 18वां अंक है उसमें इधर से 3 भी जुड़ जाएगा और इधर से 3 भी जुड़ जाएगा, यानी इस वैल्यू से इन दोनों का जोड़ कितना अधिक है? 6 अधिक है। अगर ये बीच में सभी संख्याएं 6 होंगी तभी उन दोनों का जोड़ क्या होगा? बराबर हो पाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। और ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। उसी तरीके से ये है कि 25 संख्याएं हैं, प्रथम 3 है और अंतिम 2 है, प्रथम 3 है और लास्ट 2 है, यहाँ क्या आंसर आएगा? 5 आंसर आएगा, क्योंकि बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो कितनी रह गई? 23, यानी जो यहाँ संख्या होगी वही 23वें नंबर पर जुड़ेगी, तो इसमें वो एक संख्या यहाँ से जो आगे जुड़ेगी वो एक डिजिट फालतू जुड़ेगा, और जो बाकी बच गए दूसरे नंबर वाला और 22 नंबर वाला उनमें ये जुड़ेंगी, तो इधर 2 फालतू जुड़ गया, इधर 3, यानी इनमें 5 फालतू जुड़ा है, तो एक संख्या अगर 5 एक्स्ट्रा होगी तभी ये 0 हो पाएगा और 11 से विभाजित हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 3 में 2 और 11 से विभाजित बताया है, तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में वैसे कर लिए थे, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्वेश्चन आएंगे या किस तरीके से रहेंगे। ये कह रहा है कि जब 335 में 5x7 जोड़ा जाता है तो परिणाम 8y2 प्राप्त होता है, और जो मतलब ये संख्या है वो 3 से क्या है? विभाजित है। तो आपसे पूछा है कि x का अधिक से अधिक मान क्या होगा या x के कितने मान संभव है, यानी ये क्या कह रहा है कि 3, 3, 5 में 5x7 जब जोड़ा जाता है तो आपको प्राप्त क्या होता है? 8y2, और ये है, ये किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। हमें x का मान चाहिए, उससे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि y के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ से मैं देखूंगा कि 3 से विभाजित है तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 10। तो y के स्थान पर अगर मैं 2 रख दूँ तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 के बाद और मैं क्या रख सकता हूँ? 5 भी रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 5 रख दूँ तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर मैं 8 रख दूँ तो 18 हो जाएगा, यानी कि ये कह रहा है कि जो 8y2 है ये 3 से विभाजित है, यानी इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? और 3 से विभाजित कब होगा? जब जोड़ 3 से विभाजित हो। तो 10 तो 3 से विभाजित नहीं है, 12 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ 2 होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, यहाँ 5 होगा तो 15 विभाजित होगी, या 8 होगा तो 18 विभाजित होगी। इसके बाद में मैं और कोई मान नहीं रख सकता क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, तो यानी वाई के स्थान पर ये 3 मान आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये 3 मान आ सकते हैं तो हमें ये भी पता है कि यहाँ अगर अलग अलग 3 मान आए हैं तो एक्स का मान भी तो कितने होंगे? 3 अलग अलग ही होंगे, तभी तो इन दोनों का जोड़ है वो यहाँ 3 अलग अलग आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि एक्स के 3 मान संभव है, पर यहाँ तो इसने अगर इतना पूछ लिया आपसे x के कितने मान संभव है तब तो आंसर आ गया, पर अगर ये पूछ ले कि x का अधिक से अधिक मान बताओ या x का कम से कम मान बताओ तब हमें चेक करना पड़ेगा। तब मैं यहाँ से ये चेक करूँगा कि पहले केस में 3, 3, 5, 5 मान लो, मैं 2 अंक मान लेता हूँ कि y के स्थान पर मेरे पास क्या था? 2 था, तब x का मान क्या आएगा? तो देखो 7, 5, 12 एक सेंस बच गया, 1 और 3, 4। अब यहाँ क्या लिखूं कि 2 आ जाए? 8 लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से 7, 5, 12 हासिल 1, उसके बाद 1 और 4, 4 और 8, 12 ये आएगा, पर 1 हासिल हो जाएगी और यहाँ से 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9, पर वो तो नहीं हो पाएगा उस केस में। तो इसका मतलब ये 2 मान तो x में अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करेंगे, अभी इसमें भी चेंजिंग आ जाएगा आंसर में, क्योंकि उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। 3, 3, 5, 5x और 7 और 8y2,
अगर मैं वाई के स्थान पर पांच मान मानू, फाइव करता हूं, तब मैं देखूंगा कि यहां अगर पांच आएगा तब ये बारह एक तीन और एक चार, यहां क्या आएगा, एक आएगा। एक आने पर ये अपने आप पांच हो गया और ये आठ का आठ रहेगा, यानी एक्स का एक मान तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहां से चेक करता हूं, अगर वाई के स्थान पर आठ होता, वाई के स्थान पर आठ होता तो सात पांच बारह एक हंसी लाएगी, चार और चार आठ, तो एक्स का मान क्या आ सकता था, चार भी आ सकता था। तो यहां से अगर ये पूछा जाए कि कितने मान संभव है, तब तो मैं बोलूंगा जी दो, और अधिक से अधिक मान क्या होगा तो आंसर हो जाएगा चार, और कम से कम मान हो तो आंसर हो जाएगा एक। क्लियर है, समझ में आया क्या ये, यानी दो क्वेश्चनों को ऐसे जोड़ दिया जाएगा और फिर हमें डिविजिबिलिटी जो रूल था उसके बारे में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 20, कह रहा है पूर्णांक एन के किसी भी मान के लिए। पूर्णांक जब हमने नंबर ट्री समझा था तो मैंने तब बताया था कि एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, एक से शुरू होते हैं, एक से शुरू होने के बाद नेचुरल नंबर सभी होंगे, आगे इनफाइनाइट तक चलेंगे। ये कह रहा है एन के किसी भी मान के लिए, मतलब कोई भी एन संख्या के लिए, यानी एन यहाँ इसने ये वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 2n + 9n + 5 को अगर 3 से विभाजित करें तो प्राप्त सेंसफल क्या होगा, यानी एन के कोई भी मान के लिए। तो एन के इक्वल टू ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम 1 से शुरू करेंगे, एन का मान अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही आएगा, प्लस 9 से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 9 आएगा, और प्लस 5, तो ये 9 + 9 + 5 कितना आ गया 23। ये मैं अगर 23 से 3 से विभाजित करूं तो शेष क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी कि अब इस तरीके के क्वेश्चन है उसमें आप जो मर्जी एन का मान रख लो आपको शेष 2 ही मिलेगा, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे आगे, आगे के सभी क्वेश्चन इसी पर बेस करेंगे। अभी हमने पता करने के लिए देखो, अगर एन के स्थान पर मैं 2 भी रखूंगा तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n है तो ये 4 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी क्या हो जाएगा 18, और प्लस 5 तो 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 99, और 5 104, और इसमें 3 का भाग दोगे तो जोड़ कितना है 5, 5 में 3 का भाग दिया शेष क्या बचा 2, यानी कि हर एक n का मान या कुछ भी रखो 1 2 3 4 5 कोई भी मान रखो, उसमें जब 3 का भाग दोगे तो वो हमेशा 2 ही शेष बचाएगा। अब इसी क्वेश्चन में, ये तो समझने के लिए था, अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको उल्टा पूछ ले कुछ, जैसे आपको ये पूछ दे यहां से कि 3 से विभाजित ना हो, ऐसे बोल दे कि पूर्णांक n के किसी भी मान के लिए अगर 3 की पावर 2n + 9n + 5 को विभाजित करें तब 2 शेष बचता है, संख्या बताओ। ठीक है, इसी का उल्टा हो गया तो आंसर तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऑप्शन आपको कैसे देगा, ऑप्शन ऐसे देगा 7 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा। अब आपने क्या किया, पहले n का मान 1 रखा, n का मान 1 रखा तो आपके पास क्या आया 23। आपने देखा कि 23 में तो 7 का भाग देंगे तो भी 2 शेष बचेगा, और 3 का भाग देंगे तो भी 2 शेष बचेगा, इन दोनों में नहीं बचेगा, यानी आपके पास ऐसी 2 वैल्यू आ गई। अब अगर एक से सोल्यूशन नहीं निकल पाया तो फिर मैं एन के स्थान पर 2 रखूंगा। जब मैंने एन के स्थान पर 2 रखा तब मैंने देखा 3 का भाग दिया तो 2, 7 का भाग दिया तो 6 शेष बच गया। ठीक है ना, 7 का भाग दिया तो क्या शेष बच गया 6, पर इसने तो क्या बोला था 2 शेष बोला था, समझे। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अभी पूछे जाएंगे। सेम इस क्वेश्चन को मैं एक बार और चेंज करके आपको लिखवाता हूं,
कि एग्जाम में जो पूछा गया था वो मैं अभी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आपको उसकी लैंग्वेज इसने चेंज क्या कर दी कि पूर्णांक एन के किसी भी मान के लिए अगर 3^2n + 9n + 5 को विभाजित करें तो बराबर सेंस बचता है संख्या बताओ, यानी कि आप एन का मान कुछ भी रखो और इसमें से ऐसी संख्या बताना है जिसका उसमें भाग दें तो बराबर सेंस बचना चाहिए। तो इस केस में अगर हम शुरू कहाँ से करेंगे, एन की वैल्यू वन से, वन रखेंगे तो यहाँ कितना मान आएगा, अभी हमने सॉल्व किया था 23 आएगा। अब आपने देखा कि 23 एक से तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं एन के स्थान पर 2 मान रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 तो कम से कम रखने पड़ेंगे। अब 2 से मैं चेक करूंगा, 5 का भाग दिया तो यहाँ क्या सेंस आया, 3, और 5 का भाग दिया तो यहाँ क्या सेंस आया, 4, मतलब बराबर सेंस तो नहीं आया तो ये कट गया। 3 तो हमें पता आंसर आएगा क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन को बनाया है खुद ही। 4 का भाग देंगे तो 5 × 20, 3 सेंस आ गया, पर ये संख्या तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये तो 0 सेंस बचा देगा यार, ये भी अलग अलग आ गया। 6 का भाग दिया तो 6 × 3 = 18, 5 सेंस बचेगा, यहाँ भाग देंगे तो 2 ही सेंस बचेगा, मतलब 6 भी वो संख्या नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 का इसमें भाग दोगे तो भी 2 सेंस, इसमें भी 2, हर बार 2। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको इसे चेक करना होगा कि बराबर सेंस पूछा जाएगा और कौन सा आपका आंसर रहेगा। यदि n एक पूर्णांक है तो n की पावर 3 - n हमेशा किससे विभाजित होगा, यानी हमने अभी समझा कि n के स्थान पर हम मान शुरू करेंगे एक से रखना, अगर मैं n का मान 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 3 - 1 क्या हो गया, 0, और 0 तो कोई भी संख्या से विभाजित हो जाएगा, ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी, 7 से भी और 4 से भी, कोई भी संख्या में हम 0 में अगर कोई भी संख्या का भाग दें तो क्या आंसर आता है, 0, और अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग दें तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ये चीज हमने समझी हुई है ना। हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि 0 में कोई भी संख्या का भाग दिया जा सकता है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो ये देखो इस तरीके से कर देंगे, 4 ये 0 पर जाएगा, 4 × 0 से करेंगे 0, 0 से 0 कट गया, ये विभाजित हो गया, ठीक है। अब n का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो n का मान 2 है तो 2 की पावर 3 - क्या हो गया, 2, क्योंकि यहां भी n है और यहां भी, तो 2 की पावर 3 = 8 - 2 = 6। अब देखेंगे 6 ना तो 5 से कटता है, ना 7 से कटता है, ना ही 4 से कटता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी n का मान आप चाहे आप जो मर्जी रखते रहो वो 6 से ही विभाजित होगा, बाकी हमने क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपको ये दे रखा है कि n 8 की पावर n और 4 की पावर n किससे विभाजित होगा। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो मतलब मान हम मिनिमम कहाँ से रख सकते हैं, 1 से, 8 की पावर 1 - 4 की पावर 1 क्या आ गया, 4 आ गया, यानी हर एक n के मान के लिए विभाजित होगा। आगे से आगे आप मान बढ़ाओगे तब अलग केस है कि n का मान 2 रखते हो आप तो आपके पास 64 - क्या आ गया, 16, तो क्या आ गई वैल्यू, 48 आ गई, ठीक है। इससे आगे 48 भी अब किसी से नहीं कट रहा, इससे आगे जरूर कोई मान आएगा जो हो सकता है इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, पर n के सभी मान के लिए 4 ही वो है जो इसको प्रॉपर डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे ये, ऑप्शन है आपके पास 15, 35, 42, 57। अब देखो जो 5 आंसर दे रहे हैं 35 से है तो वो 5 से भी होगी, 7 से भी होगी, ठीक है ना। अब अगर यहां पर मैं ऐसे लिख दूं पांच सात पैंतीस सभी से, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि n इस बार क्या इसने क्वेश्चन में दे रखा है, एक सम संख्या है, यानी n सम संख्या है तो n का मान क्या हो सकता है, 2, 4, 6 ऐसे हो सकता है, और 6n - 1 है तो किससे विभाजित होगा, तो n का मिनिमम मान मैं क्या रखूंगा, 2, तो 36 - 1 क्या हो गया, 35, यानी ये संख्या 35 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहां से ये 35 से भी विभाजित हो रही है, पर 7 के पाड़े में भी 35 आता है और 5 के पाड़े में भी 35 आता है, यानी जो संख्या 35 से विभाजित होगी वो हमेशा 7 से और 5 से तो विभाजित होगी ही होगी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी से ही पूर्णतः विभाजित होगी,
ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने कि अगर 16 से कोई संख्या प्रॉपर कट रही है तो 16 को काटने वाली सभी संख्याएं उस संख्या को क्या करेगी, विभाजित करेगी। यहां से हमें क्वेश्चन तो ये बोला गया है कि यदि n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। n अब कोई भी हो सकता है, पहले तो ये सोचो कि ऐसा मैं n का मान क्या रखूं कि 5 का भाग दिया जाए और 2 शेष बच जाए। तो यहां से मैं 2 भी रख सकता हूं, दो वो है जिसमें 5 का भाग देंगे तो 2 ही तो शेष बचेगा। यहां से मान मैं 7 भी तो रख सकता हूँ, 7 में भी तो 5 का भाग देंगे 2 शेष बचेगा। यहां से मैं 12 भी तो रख सकता हूँ, 12 में भी 5 का भाग देंगे तो 2 ही शेष बचेगा। यानी वो 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मतलब हर वो संख्या जो 5 से कटे अगर उसमें मैं 2 जोड़ दूंगा तो हर बार 2 शेष बचेगा। अब इसने आगे पूछ लिया कि उसमें उसका अगर स्केयर कर दें तो 5 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो देखो यहां से स्केयर कर देंगे तो क्या आ गया, अगर 4 में 5 का भाग देंगे तो 4 ही शेष बचेगा। यहां भी मैं अगर स्केयर कर देता हूँ 49, इसमें 5 का भाग दूंगा तो 4, यहां स्केयर कर दूंगा 144 तब भी तो 5 का भाग दूंगा, 140 प्रॉपर कटेगा, 4 शेष। यानी हर एक केस में अगर हम उस संख्या का भाग देंगे तो वो क्या शेष बचाएगा, 4। इसलिए हमने यहां से समझना है कि जितना शेष है अगर यहाँ इससे भाग दे रहे हैं और 2 शेष बचा है तो उसका स्केयर कर दो, 2 का स्केयर कर दो 4, हमेशा वही शेष बचाएगा। कल को यहाँ से इसको चेंज ऐसे कर देता कि 11 का भाग दिया है जी और 7 शेष प्राप्त हुआ है, तो हमने क्या मान लेना है, डायरेक्ट संख्या 7 ही मान लेनी है। हमने संख्या 7 मान ली, 7 में 11 का भाग देंगे तो 7 ही तो शेष बचेगा। अब चाहे इसकी पावर 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, हमें इसका स्केयर पूछ लिया तो इसका स्केयर क्या हो गया, 49। अब 49 में 11 का भाग दोगे तो शेष क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यानी हमने मिनिमम संख्या माननी है ताकि हम जल्दी से जल्दी चीजों को बता पाए। समझ में आया ये, यानी कोई भी संख्या का भाग देना, अब आपसे कुछ भी पूछे, आपको बोले कि आप जब संख्या मानने की बात आए कि जी 35 का भाग दिया है और शेष बचा है 25, तो आप बोलोगे जी संख्या 25 ही है क्योंकि 25 में 37 का भाग दोगे तो 25 ही शेष बचेगा। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसमें यही मान लेंगे। अदरवाइज आप इसमें 62 भी मान सकते थे, पर उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर अब 62 का आप स्केयर करोगे, फिर इसका भाग दोगे, जैसे यहां से ये आ जाता, यहां पर 37 लिख देता और इधर बोल देता जी आपके पास 11 शेष बचा है, तो एक तो मैं 11 ही संख्या मान लू, 11 में 37 का भाग दिया, 11 शेष बच गया। एक तरीका यह भी था कि मैं इसमें 48 संख्या मान लूं तब भी तो सेम ही केस रहेगा। तो क्वेश्चन आसान, 11 पर रहेगा या 48 पर रहेगा, 11 पर रहेगा। ठीक है, समझे इस बात को। तो इस तरीके से अगर संख्या जहां मान नहीं आए तो वो संख्या जो रिमाइंडर होता है वो संख्या ही होती है। क्लियर, बड़े आगे से। जब पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब के प्लस 1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। अब दो तरीके रहते हैं, एक तरीका तो ये कि आप ऑप्शन उठा लो, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन से इजीली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये देखना है कि 3 का भाग देना है और शेष कितना बचना चाहिए, 1। तो 3 का भाग देकर शेषफल सिर्फ किस में बचेगा, 64 में बचेगा, क्योंकि 64 में ही 3 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। फिर आगे इस कंडीशन इसने लगा रखी कि अगर उसमें 1 जोड़ दें तो 64 प्लस 1 क्या हो गया, 65, और वो क्या हो जाएगा, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं मिनिमम संख्या मानता तो मैं ये देखता कि 3 से विभाजित है तो 1 शेष होना चाहिए, तो संख्या 1 हो सकती है, 1 हो सकती है 3 से विभाजित करेंगे, पर उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या 5 से विभाजित है। उसके बाद 4 हो सकती है, 4 वो संख्या हो सकती है, 4 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो वो 5 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, उससे विभाजित हो जाएगा। यानी हर वो संख्या जो 3 के टेबल में आएगी और उसमें 1 जोड़ा जाएगा तो वो संख्या किससे शेष बचाएगी, 3 से 1 शेष बचाएगी, और 3 के टेबल में आने वाली में अगर 2 जोड़ दिया जाए तब, यानी जैसे 3 के टेबल में क्या आ गया आपके पास, जैसे 9 आ गया, 9 तो पूरा विभाजित है,
एक जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, तीन के केस में एक शेष बचाएगा। और इसने के प्लस वन बताया, इसका मतलब उसमें जब आप दो जोड़ोगे तभी वो संख्या आएगी जो पांच से विभाजित होनी चाहिए, यानी तीन के पाड़े में हर बार दो जोड़ोगे तब वो आपके पास वैल्यू आएगी। तो पांच के बाद 6 प्लस 2, 9 प्लस 2, 12 प्लस 2, 15 प्लस 2, 18 प्लस 2, यानी 20 वो संख्या आएगी जो, यानी 20 से एक कम क्या है, 19। 19 तो वो संख्या है जो तीन को प्रॉपर विभाजित करेगी, और उसमें एक जोड़ोगे 20 तो ये पांच से विभाजित करेगी। तो इस तरीके से आप आगे से आगे फाइंड करोगे, हमें यहाँ चाहिए था। तो या तो कंडीशन लगाएगा कि दो अंकों की संख्या होनी चाहिए, या 60 से बड़ी होनी चाहिए, 60 से छोटी होनी चाहिए, या आप इसको ऑप्शन उठाओगे तभी आपको पता लगेगा कि सही इसमें आंसर क्या है। क्योंकि संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो गई, पांच, पांच के बाद फिर कौन सी आ गई, 19, उसके बाद आगे कौन सी आएगी। इसके बाद अगर पूछना हो तो अगर मैं ये बोलूं कि 20 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी, तो तीन के पाड़े में क्या आएगा, तीन के पाड़े में दो जुड़ना चाहिए और पांच से विभाजित होना चाहिए। तो 21 प्लस 2 23 होगा, 24 प्लस 2 तो 26 हो गया, 27 प्लस 2 29 हो गया, 30 प्लस 2 32, 33 प्लस 2 35, यानी 34 वो संख्या है जिसमें तीन का भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, और इसमें एक जोड़ दोगे तो वो पांच से क्या हो जाएगी, पूर्णांक। तो ऐसे आगे से आगे संख्या निकालने का तरीका रहेगा ये। पर हमें यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, क्योंकि 62 तक जाते जाते हमें टाइम लगता है इस तरीके से, इसलिए हमने डायरेक्ट ऑप्शन उठाया और उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 4 की पावर 61 है, 62, 63 एंड 64, और ये पूछा गया ये संख्या किससे डिवाइड होगी। संख्या डिवाइड कब होती है, संख्या डिवाइड तब होगी जैसे मैं यहाँ कुछ वैल्यू लिख देता हूँ कि 32/8 ये है। तो हमें पता है 32 8 से प्रॉपर कट जाएगा, 8 चौका 32, यानी अगर बटा की संख्या खत्म हो जाए तो वो उससे विभाजित होता है। जैसे अगर मैं यहां ये लिख दूं कि 32 गुणा 16/8 ये है, ठीक है, अगर ये वैल्यू लिख दिया गया तो ये संख्या इसकी जो गुणा है वो 8 से प्रॉपर कटेगी। तो अगर मैं यहां से ये भी देख लूं कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, मतलब ये वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई, तो इन दोनों की गुणा है वो इससे कटेगी। जैसे यहां से मैं एक वैल्यू और लिख दूं कि 12 या 22 15/6, तो इसके लिए मुझे 22 व 15 की गुणा करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से अगर बटा वाली संख्या को खत्म करने में कामयाब हो जाता हूं तो इसका मतलब वो ऊपर वाली संख्या को प्रॉपर डिवाइड कर रही है। तो यहां से मैंने देखा 2 पर कटेगा 3, और ये क्या आ गया, 11, और 3 से ये कट गया 5 पर, यानी कि 6 से ये संख्या प्रॉपर विभाजित होगी, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, 55 आएगा, यानी मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी 6 का भाग दूंगा तो भी 55 आएगा। यानी अगर मैं हर में लिखी हुई संख्या को खत्म कर सकता हूं तो इसका मतलब वो संख्या उससे क्या हो गई, विभाजित हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वैसे तो हमारे पास बड़ी बड़ी पावर है तो हम डायरेक्ट तो नहीं समझ पाएंगे। अब इसमें देखूं कि मैं 4 की पावर 61 है ये कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो यहां क्या बच जाएगा, एक, यहां क्या बच जाएगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। ये हमने समझा था, ये हमने घातांक टॉपिक में, इससे पिछले टॉपिक में ही समझा था कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अब ये रह गया 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई ये 4, ये 16 और ये 64, 64 और ये 80 और 4 84 और 1 85, बटा क्या है। अब देखना हमने ये है कि ये किससे विभाजित होगा, तो मैं पहले अलग अलग चेक करूंगा, मैं 3 से चेक करूंगा तो ये तो 4 है, 4 3 से नहीं कटेगा, 85 ये भी 3 से नहीं कट रहा। अगर मैं ये 10 की बात करता हूँ, यहां से हमें जल्दी समझना होगा, अगर मैं इस 10 की बात करूं तो मैं ये देखूंगा कि ये संख्या 5 पर कट जाएगी और ये संख्या 5 पर कट जाएगी 2। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 की पावर 60 गुणा 4 लिख सकता हूं,
और एक चार को ये खत्म कर देगा, मतलब बड़ा की संख्या में क्या कर पाया, खत्म कर पाया, इसलिए ये संख्या 10 से विभाजित होगी। यानी जनरली मैं इनकी गुणा करके नहीं चेक कर पाऊंगा, मैंने बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या बटा में लिखकर खत्म हो सकती है, समझे इस बात को। और बटा की लिखी हुई संख्या अगर खत्म हो गई तो वो संख्या हमेशा विभाजित होगी। देखो इधर इस क्वेश्चन में हमें 3 की पावर 25, 26, 27, 28 दे रखी है और ये ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा गया है विभाजित किससे है, तो 3 की पावर क्या कॉमन ली जा सकती है, 25, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1, यहाँ 3 की पावर 1 बचेगा मतलब 3 बच गया, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा मतलब 9, और यहाँ 3 की पावर 3 मतलब 27। तो अब आपने देखा कि 27, 10, 37 और ये क्या बच गया, 40, यानी 3 की पावर 25 × 40 बच गया, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये किससे विभाजित होगा, तो अगर मैं यहाँ 11 रखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि ना तो 11 को ये 40 काट सकता है, और ना मैं इस 3 में से, 25 3 है, मैं कितने मर्जी 3 अलग करता रहूँ 11 से नहीं कट पा रहा। फिर मैं देख रहा हूँ 16 उठाऊंगा, अगर 16 वैल्यू उठाता हूँ तो जरूर ये 4 पर कट रहा है, ठीक है, या 8 पे भी कट रहा है, 8 × 16 और 8 × 5 = 40, 8 पर तो कट गया। अब ये 2 बच गया, ये ना तो इन 3 को काट पाएगा और ना इस 5 को काट पाएगा, मतलब ये 2 खत्म नहीं हो पाएगा, समझे। अब अगर मैं यहां से ऑप्शन उठाता हूं जो आंसर आया है, आप जो आंसर दे रहे हो 30, अगर मैं ये 30 उठाता हूं तो मुझे ये समझ आया 0 से 0 कैंसिल हो गई, और इसमें से मैं 1 3 अलग निकाल लूंगा तो ये 24 रह गए और ये 3 इससे कैंसिल हो गया, यानी 30 प्रॉपर खत्म हो जाएगा, यानी ये संख्या 30 से विभाजित होगी, जो बटा की संख्या खत्म कर पाएंगे वही उसको विभाजित करेगी। ये कह रहा है 5 की पावर 71, 72 और 73 है, और ये इनमें से किन संख्या से विभाजित होगा, तो एक ही तरीका, 5 की पावर 71 कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू क्या बच गई, 1, 5 और 25, ये वैल्यू आ गई, तो इनका जोड़ कितना हो गया, 5 की पावर 71 × 31 हो गया, ठीक। अब हमें इनसे पूछा गया है कि किससे विभाजित होगा, तो यहाँ से अगर आप एक एक संख्या लिखोगे, अगर पहले आपका डाउट 30 पर था, मैं 30 लिखूंगा तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि इसमें से मैं 1, 5 तो अलग लिख सकता हूँ और इससे इसको काट दूंगा 6 पर। अब देखो 6 से ना तो 31 कट पाएगा और ना ही 5 कट पाएगा, क्योंकि 5 के आगे जो मर्जी निकालो आप, 1, 5 निकालोगे, 2, 5, 3, 5, 5 के केस में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो हर बार लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आएगा, और 6 का हमें पता है कि 6 से वही संख्या कटती है जो 2 से कटती है, इसलिए नहीं कट पाएगा, तो 30 हमारा आंसर गलत हो गया। अब अगर आपके दिमाग में 150 आता है, यहाँ वैल्यू थी कहता कि अगर 150 भी हम रखेंगे फिर भी अगर इससे मैं 1, 5 अलग करूँगा तो ये किससे कट गया, 30 पर, और 30 से तो मैं अभी चेक करके गया था, 30 से तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये ऑप्शन उठाते हो 155, तब आप देखोगे कि 155 1, 5 से जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 31, क्योंकि आपने देखा 150 से जब 30 आ रहा था तो उसे 1 फालतू 5 है तो 31 आएगा, और 31 31 को कैंसिल कर देगा, इसलिए ये संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 2 की पावर आपको 71, 72, 73 और 74 दे रखी है, 2 की पावर अगर 71 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 4 + 8 ये बच जाएगा, यानी यहाँ से जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी बच गई, 15, यानी 2 की पावर 71 × 15 बच गया। अब 9 से विभाजित करोगे तो 3 से तो हो जाएगा, फिर 5 और 3 रह जाएगा, 3 ना तो 2 को कैंसिल कर पाएगा ना 5 को। 10 अगर मैं लिखूंगा तो ये 5 से कट जाएगा 3 पर, ये 5 से कट जाएगा 2 पर, और हमें पता है इसमें से जब मैं 1 2 इधर निकालूंगा तो ये इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्याएं कैसे विभाजित होंगी, 10। तो ये तो थे विभाजित से संबंधित हमारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इससे संबंधित रहेंगे।